सो दिस वीडियो इज़ फॉर बी कॉम स्टूडेंट। जैसा कि आज आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो गया है फाइनली फॉर द मेन कैंपस, तो ये ध्यान देना फीस पेमेंट करने का जो ऑप्शन होगा, सबसे पहले कोर्स देख लेना कि FMM है या फिर FMC में बी कॉम मिल रहा है आपको, तो इसको देखने के बाद फीस पेमेंट करिएगा। क्योंकि एक बारी आपको FMC का भी कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ सकता है और एक बारी आपको FMM का भी कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ सकता है। जैसे आपने प्रीफ्रेंस ऑर्डर फिलअप किया होगा उस हिसाब से आपको आपका कोर्स एलोकेशन का मैसेज दिखेगा। और जिन बच्चों का भी कोर्स एलोकेशन का मैसेज नहीं आया है, सबसे पहले मेन कैंपस के लिए कोर्स एलोकेशन मैसेज सेंड किया गया है, पेमेंट लिंक रिलीज की गई है। इसके बाद एफिलेटेड कॉलेज की मोस्ट प्रोबेबली कल तक एफिलेटेड स्टूडेंट्स को भी अपना कोर्स एलोकेशन की पेमेंट लिंक मिल जाएगी। पेमेंट करने के बाद ना वो जो पेमेंट आईडी है ना उसका एक इमेज जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर आपकी सीट लॉक नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस पेमेंट डन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब एडमिशन हो चुका है। और कहीं कहीं आपको अपग्रेड भी नज़र आ सकता है, तो अपग्रेड का मतलब यही है कि अगर आपको FMM से FMC जाना है तो आप अपग्रेड पे भी छोड़ सकते हो। अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, या आप पे शीट पे है, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी है फिर भी आपको अपग्रेड नज़र आ रहा है तो आप अपग्रेड के लिए भी छोड़ सकते हो कि वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा होता है, इसीलिए मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एफिलेटेड स्टूडेंट्स अभी इतना पैनिक मत हो, कल तक का और टाइम देख लो, कल या परसों तक, कल मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको कोर्स एलोकेशन के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अपनी पेमेंट करने के बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आपको फिलअप करना है तो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी रेगुलर फीस जो होती है ना वो आपको एज ए स्कॉलरशिप बाद में प्रोवाइड कर दी जाती है। सारे डाउट्स क्लियर आउट हो गए हैं। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और 10th of January से सुनने को आ गया है कि आपकी क्लासेस होंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि 10th January को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि PG स्टूडेंट को जो डेट मेंशन की गई है वो उस दिन से डेट मतलब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद ही क्लास स्टार्ट हुई है, तो एकदम परेशान नहीं होने वाले हो। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं बता दूंगी कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा और अपना सिलेबस एक बार रफली देख लीजिएगा, क्योंकि जो सिलेबस मेरे पास है वो ओल्ड सिलेबस है, ठीक है, अभी 2021 का सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है। वो आपके प्रोफेसर्स आपको बता देंगे जब आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा एंड सो ऑन। आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हो अपने रिजल्ट देखने के बाद, मेन कैंपस की ड्रीम, एफिलेटेड कॉलेज, सो ऑन, वो सारी अपनी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो संभाल के रखिए। जब आप कैंपस चले जाओगे फाइनली फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, तब आप उस चीज़ को पूरी तरीके से फील कर पाओगे। अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस होंगे। आई गेस सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और अपने जूनियर्स को बोलना BH Infopedia के साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि BH Infopedia बहुत जल्द उनके लिए भी कोर्स लॉन्च करने वाला है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको भी बेस्ट विशेस। साइनिंग ऑफ तरह।